नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जहां एक तरफ चाइना इंडियन ओशन में अपना दबदबा बनाने के लिए प्रयासरत है, कोशिशें करे जा रहा है, ऐसे समय पर भारतीय नौसेना की ओर से समंदर में उतर गया है साइलेंट किलर सैंड शार्क, INS वगीर, एक पनडुब्बी। इसको हाल ही में कमीशन किया गया। क्या है इसकी विशेषता और कैसे इस क्राइसिस के समय पर ये महत्वपूर्ण सिद्ध होगी, इन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। पहले न्यूज देख लेते हैं। इंडियन नेवी ने कमीशन किया है 5th कैलिवरी क्लास सबमरीन INS वगीर को मंडे को। और अकॉर्डिंग टू द नेवी, ये जो सबमरीन है, ये कहीं ना कहीं जो भारतीय नौसेना है उसकी जो भी कैपेबिलिटीज है, क्षमताएं हैं, उनको एक बूस्ट देने वाली है, जिससे कि भारतीय मैरिटाइम की जो भी इंटरेस्ट है, जो भी हम करना चाहते हैं, जैसे एनिमी को डिटर करना या फिर सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस कंडक्ट करना, इस तरह की चीजों से कहीं ना कहीं एक झटका प्रोवाइड करने वाली है ये इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। अगर हम सबमरीन की बात करें तो इट इज बिल्ड अंडर प्रोजेक्ट 75। क्या है प्रोजेक्ट 75, उसके बारे में बात करेंगे, जो कि जिसमें इंक्लूडेड है भारत में ही निर्मित या इंडिजिनियसली कंस्ट्रक्शन, जिसमें होगा 6 सबमरीन्स का ऑफ स्कॉर्पियन डिजाइन। अब स्कॉर्पिन डिजाइन क्या होता है? स्कॉर्पिन जो सबमरीन्स होती हैं, वो बहुत ही पोटेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं। इसमें एडवांस स्टेल्थ फीचर्स है, मतलब वो छुप कर वार करने वाली क्षमता है इसमें, और इक्विप्ड होती हैं ये लॉन्ग रेंज गाइडेड टॉर्पीडोज से, एज वेल एज एंटी शिप मिसाइल से। तो काफी पावरफुल ये डिजाइनिंग है इसकी, इस सबमरीन की, जिसको स्कॉर्पिन डिजाइन कहा जाता है। 4 सबमरीन्स ऑफ द कालवरी क्लास ऑलरेडी कमीशन हो चुकी है इंडियन नेवी में। इससे पहले वगीर नाम की एक और एक सबमरीन थी, जिसका एक ग्लोरियस पास्ट रहा है इंडियन नेवी के साथ, जिसको कमीशन किया गया था नवंबर 1973 में। इसको डीकमीशन किया गया जनवरी 2001 में। लगभग देश की सेवा में ये 3 दशक तक रही। अब दोबारा से इसको लॉन्च किया गया, एक नए नाम, मतलब एक नई सबमरीन लॉन्च की गई, उसको स्वगीर नाम दिया गया नवंबर 12, 2020 में। और सबमरीन एक तरह से नया अवतार है, जिसमें कुछ डिस्टिंक्शंस भी हैं, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है दोस्तों कि ये अभी तक की जो भी हमारे यहाँ इंडिजीनियसली, मतलब भारत में ही निर्भर सबमरीन्स हैं, भारत में ही निर्मित मैन्युफैक्चर्ड सबमरीन्स हैं, उसमें सबसे कम समय में बनकर तैयार हुई सबमरीन है। लोवेस्ट बिल्ड टाइम है इसका अभी तक। काफी महत्वपूर्ण है, और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा सपना है डिफेंस में या किसी भी क्षेत्र में, उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट भी इससे मिलेगा या मिल रहा है। प्रोजेक्ट 75 की बात करें तो लेट 1990s में, जब कारगिल का युद्ध हमने उस समय देखा, तब एक 3 दशक का एक प्लान बनाया गया था, जिसको बेसिकली एक रास्ता तैयार किया गया फॉर इंडिजीनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ सबमरीन्स, की भारत में ही इनका निर्माण हो, जिनको 2 सेपरेट सीरीज ऑफ सबमरीन के नाम से जाना जाएगा। इनकी सेपरेट सबमरीन बिल्डिंग लाइन्स होंगी, सीरीज ऑफ सबमरीन बिल्डिंग लाइन्स, जिनको कोड नेम दिया गया था प्रोजेक्ट 75 एंड प्रोजेक्ट 75 I इंडिया। ये कोलैबोरेशन में होंगी विथ फॉरेन एंटिटीज, जैसे ये जो प्रोजेक्ट 75 में कालवरी है, ये फ्रांस के साथ कोलैबोरेशन में है। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये भी कहा कि काफी ज्यादा एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं इंडिजिनियस प्लान के डिजाइन के लिए, और साथ साथ सब्सिक्वेंट कंस्ट्रक्शन के लिए सबमरीन के, विच विल फर्दर एड नंबर्स टू द नेवीज आर्सेनल, नेवी में जुड़ती चली जाएंगी। इसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे, इसकी क्या विशेषता है इसके बारे में बात करेंगे। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड PDFs, एंड अकेडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है ND Life 10। नाउ द क्वेश्चन कैन बी, वाई अन अकेडमी, क्यों जुड़े अन अकेडमी से? मैम देखिए, अन अकेडमी से जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स आपको मिलती है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं, अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं आपको लेक्चर्स पे, मतलब आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो फिर आप लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस को मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स अलॉन्ग विद द रिजल्ट्स दैट यू सी अगेन एंड अगेन। साथ में आपको रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने के लिए अनअकैडमी दे रहा है 20% का फ्लैट डिस्काउंट ऑन UPSC CSE सब्सक्रिप्शंस। ये केवल 28 जनवरी तक वैलिड होगा। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए विद माय कोड एनडी लाइव टू अवेल द बेनिफिट। एनडी लाइव 10 इज माय कोड। बेनिफिट क्या है इस कोड का मैम? एक तो डिस्काउंट मिल रहा है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि मेरी गाइडेंस, मेरी मेंटोरशिप आपको मिलेगी आपकी जर्नी में। चलिए कलवरी क्लास का बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो वगीर एक कलवरी क्लास सबमरीन है, जिसमें और भी वेसल्स हैं, और भी इस तरह के सबमरीन्स हैं, जिसमें हैं INS
कलवरी आईएएस, खंदेरी आईएएस, खरांच करांच, वेला आईएएस, वागशीर। नाउ इन सभी में कलवरी और खंदेरी को कमीशन कर दिया गया था 2017 और 2019 में। चार ऑलरेडी मैंने कहा था ना कमीशन हो चुके हैं इस क्लास में। वेला और करंज वर इंडक्टेड इन 2021। वगीर को अभी कमीशन किया गया, वहीं वागशीर को लॉन्च किया गया 2022 में, और इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसका इंडक्शन जो होगा वो अगले साल होगा, अगले साल इसको कमीशन कर दिया जाएगा। नाउ मैं आपको बता दूं कि आपके दिमाग में हो सकता है कलवरी क्लास क्या होता है, कैसे नाम रखा जाता है। इनके बारे में अगर बात करें तो जो सबमरीन्स है करंट कलवरी क्लास की, उनका जो नाम है वो पहले से जो डीकमीशन क्लास ऑफ सबमरीन्स है ना उनसे आया है, जैसे कि कलवरी, जिसमें कि कलवरी, खंदेरी, करांच करांच और वेला क्लासेस हैं, कंप्राइजिंग वेला, वगीर एंड वागशी, अलग अलग क्लासेस हैं, ठीक है। तो मतलब पहले ये सबमरीन्स थी, उसके बाद इनको डीकमीशन किया गया, फिर से ये नाम को लेकर आए, कुछ एडवांस फीचर्स के साथ, कुछ नई चीजों के साथ। नाउ जो नाउ डीकमीशन कालवेरी एंड वेला क्लासेस वर वन ऑफ दी, जो अभी डीकमीशन कर दिया गया था इनको, जो कालवेरी और वेला क्लासेस की सबमरीन्स थी, ये देश की अर्लीस्ट सबमरीन्स थी पोस्ट इंडिपेंडेंस भारत की जो नेवी थी उसकी, जो कि विच बिलोंग टू सोवियत ओरिजिन फॉक्सट्रोट क्लास ऑफ वेसल्स। यहां से मतलब इनका डिजाइन, इनकी मेकिंग यहां से होती थी। एक्चुअली क्लास क्या होती है इसके बारे में बात करती हूँ। तो जब मैरीटाइम की बात करते हैं, जब नेवी की बात करते हैं, तो क्लास ऑफ शिप्स होती है ग्रुप ऑफ वेसल्स, मतलब उस ग्रुप में जो भी सबमरीन्स बनेंगे, उस तरह के जो वेसल्स होंगे जिनका सेम पर्पस है, सेम मेक है और सेम डिस्प्लेसमेंट है, तो उनको एक क्लास कैटेगराइज कर दिया जाता है। तो यहां पर मैं आपको बताऊं कि नेवी और कोस्ट गार्ड जो है भारत में, उसमें जो भी शिप्स हैं बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर क्लासेस आर नेम्ड इन स्पेसिफिक मैनर। हर क्लास की जो शिप्स होंगी या जो वेसल्स होंगी उनको एक पर्टिकुलर तरीके से उनका नाम रखा जाता है, एक स्पेसिफिक मैनर में उनका नाम रखा जाता है। जैसे बहुत बार जो नाम होते हैं उसमें सेम फर्स्ट लेटर हो जाएगा, के, है ना, या प्रीफिक्सेस हो जाएंगे, या सिमिलर मीनिंग्स होंगे, सेम नाम हो, मीनिंग्स सिनोनिमस होंगे, या फिर किसी जो नाम होगा वो किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्ड से मिलता होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ सिटीज से हो सकता है, पर्सन्स, माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, एनिमल्स, रिवर्स, माउंटेन्स, वेपन्स एक्सेट्रा। तो इनमें कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होता है, कुछ ना कुछ एक कनेक्ट होता है। जो क्लास है वो जनरली, जिसका जो क्लास का नाम रखा जाता है वो जनरली पहले वेसल के नाम पर रखा जाता है उस कैटेगरी में। जैसे कलवरी में पहला जो ये जो क्लास है स्कॉर्पिन की, स्कॉर्पिन सबमरीन्स की, इसमें कलवरी पहली पहला वेसल था, उसके नाम पे इस पूरी क्लास का नाम कलवरी रख दिया गया, ठीक है। तो बेसिकली एक कैटेगरी, एक तरह का मेक, पर्पस, डिस्प्लेसमेंट, उसी कैटेगरी की जो बाकी सबमरीन्स होंगी या जो वेसल्स होंगे, ग्रुप ऑफ वेसल्स होंगे, उसको उस नाम से जाना जाएगा, वो क्लास हो जाएगी उसकी, ठीक है। जैसे कलवरी विच मीन्स टाइगर शार्क, वगीर हैज बीन नेम्ड आफ्टर सैंड फिश जो कि प्रिडेटरी मरीन स्पीशीज है। खंदेरी, इसको इसका नाम रखा गया था एक आइलैंड फोर्ट के नाम पर, जिसको छत्रपति शिवाजी ने बिल्ड किया था और उनकी नेवी में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल था, योगदान था। करंज की अगर मैं बात करूं, इट वॉज नेम्ड आफ्टर एन आइलैंड लोकेटेड इन साउथ ऑफ मुंबई। तो किसी ना किसी सिग्निफिकेंस होता है इनके नाम का। चलिए वगीर के कुछ स्पेशल फीचर्स देख लेते हैं, इसकी सिग्निफिकेंट जो भी इंपॉर्टेंट चीजें उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सबमरीन जो है इनको बिल्ड किया गया है भारत में बाय मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई, इन कोलैबोरेशन विद एमएस नेवल ग्रुप फ्रांस। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि पूरा जो क्लास है ये फ्रांस की कोलैबोरेशन में है, इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चरिंग है लेकिन इन कोलैबोरेशन विद अ फॉरेन कंपनी। चार जो है कलवरी मरीन सबमरीन्स, दे हैव ऑलरेडी बीन कमीशन इनटू इंडियन नेवी, विच आई टोल्ड यू। वगीर का नाम है, मतलब होता है सैंड शार्क, जो रिप्रेजेंट करता है स्टेल्थ और फियरलेसनेस को। स्टेल्थ मतलब छुपने की क्षमता, अपने आप को एक तरह से छुपाने की क्षमता है इसमें, और काफी फेयरलेसनेस को ये डिटरमाइन करता है, एक तरह से रिप्रेजेंट करता है, जो कि दो क्वालिटीज हैं जो कि सिनोनिमस है विद द इथोस ऑफ दिस ऑफ द सबमरीनर्स, ऐसा नेवी का कहना है। नाउ जो सबमरीन है वगीर, ये इक्विप्ड है बेस्ट सेंसर्स से, दुनिया के बेस्ट सेंसर्स हैं इसमें, और इसका जो वेपन पैकेज है उसमें सफिशियंट वायर गाइडेड टॉर्पीडोज हैं, सब सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं, सब सरफेस सरफेस के अंदर से सरफेस तक आने वाली मिसाइल्स हैं, जो कि न्यूट्रलाइज कर सकते हैं किसी बड़े एनिमी के फ्लीट को भी। इसी के साथ साथ सबमरीन लॉन्च कर सकती है मरीन कमांडोज को स्पेशल ऑपरेशन के लिए। वहीं इसका जो पावरफुल डीजल इंजन है वो बहुत जल्दी से चार्ज कर सकता है बैटरीज को स्टेल्थ मिशंस के लिए, जहां पर छुपकर इसको वार करना हो, ठीक है। नाउ वगीर कैन अंडरटेक डाइवर्स मिशंस, बहुत सारे मिशंस ये कर सकती है,
क्षमता है इसमें, इंक्लूडेड एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर हो, एंटी सबमरीन वॉरफेयर हो, इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम भी कर सकती है, माइन लेइंग और सर्वेलेंस मिशन जैसे काम भी ये कर सकती है। इसके इतने सारे मिशन कैन बी अंडरटेकन बाय दिस सबमरीन। सेल्फ डिफेंस की बात करें तो इसमें स्टेट ऑफ आर्ट टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम भी है, तो काफी बेहतरीन ये सबमरीन होगी जो कि कहीं ना कहीं हमारी जो क्षमता है, हमारी जो पावर है, उसको और ज्यादा एनहेंस कर देगी। नाउ ये जो कमिशनिंग है, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, ये उस समय पर हुई है जबकि चाइनीज नेवी का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस या हम प्रेजेंस देख रहे हैं, वो बढ़ती जा रही है इंडियन ओशन में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक जवाब हो सकता है, या एक तरह से एक हिंट हो सकता है टू द चाइनीज नेवी दैट वी आर वॉचिंग यू एंड यू कैन नॉट डोमिनेट इंडियन ओशन, वी आर देयर। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो, आपको अच्छा भी लगा हो, काफी गर्व और काफी गौरवपूर्ण ये बात है। चलिए 27 जनवरी से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं दोस्तों 2024 के लिए, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। एनसीईआरटी के लिए स्पेशल बैचेस हमारे आ रहे हैं 27 जनवरी से ही, 3 महीने के बैचेस होंगे जहाँ पे टॉप एजुकेटर्स आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे 6 से 12वीं तक की एनसीईआरटी कंप्लीट कराकर। लोन फैसिलिटी अवेलेबल है, 0% ईएमआई हियर। ऑफलाइन सेंटर खुल चुका है और राजेंद्रनगर में, आप वहां जाकर भी एनरोल कर सकते हैं, एडमिशन ओपन है। यहाँ पर इस सेंटर में अगर आप एनरोल करते हैं अपने आप को, तो ना केवल आपको ऑफलाइन सेंटर का बेनिफिट मिलेगा बल्कि आपको फुल एक्सेस मिलेगा प्लस क्लासेस और टेस्ट का भी। बैचेस 4 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। लोन फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल, सॉरी यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लास्ट माइल विच इज द इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये भी आप अवेल कर सकते हैं। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड, आई होप यू लाइक दिस सेशन, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन अबाउट द लेटेस्ट अपडेट्स। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर।